हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे करेले की बहुत ही शानदार सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने फ्रेश करेला लिया है, 500 ग्राम, आधा किलो करेला है ये। करेले को हम अच्छे से दो तीन बार धो लेंगे और उसके बाद इसे स्लाइसिस में कट करेंगे। करेले को स्लाइसिस में ही कट करें और उसके बाद बस ये ध्यान रखें कि जो स्लाइसेस हैं ना वो सेम साइज़ के हों। तो सारे स्लाइसेस काटने के बाद आप इन पर डालें नमक स्वाद के हिसाब से और अच्छे से मिला दें। थोड़ा सा रब टाइप करना है आपको, रगड़ना है थोड़ा सा इस तरीके से, और फिर इसे घंटा धूप में रख देना है। धूप में रखने से क्या होगा, जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम होगी। अगर धूप नहीं तो फैन के नीचे भी आप रख सकते हैं। और एक घंटे के बाद ये हल्का श्रिंक आपको दिखेगा। एक घंटे से ज़्यादा बिल्कुल धूप में ना रखें, नहीं तो ये खाने में एकदम चुई लगेगा आपको। और एक घंटे की धूप दिखाने के बाद आप इस नॉर्मल पानी से दो तीन बार रगड़ रगड़ कर धो लें। अच्छे से धोना है, धोने से क्या होगा सारी कड़वाहट इसकी यहाँ पर निकल जाएगी। और फिर हल्का स्क्वीज इसे करें, प्रेशर ना डालें, हल्के हाथों से निचोड़ लें। उसके बाद एक कच्चा आम लिया है मैंने, ऑलमोस्ट 50 ग्राम आम मैं यहाँ यूज़ करूँगी इस आधा किलो करेले में। और जो आम है ना इसको कद्दूकस करें, कद्दूकस करके ही डालिएगा। इससे क्या होगा ना, आम पूरे करेले में अच्छे से जाएगा और बढ़िया फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर प्याज लिया है मैंने, तो जितना करेला है उतनी ही मात्रा में प्याज लें आप। रेशियो तो यही है कि जितना करेला है उतनी ही प्याज इसमें जाएगी। स्लाइसिस में कट करें प्याज को। उसके बाद एक बड़ी सी कढ़ाई लें, उसमें डालें दो बड़े चम्मच सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और एक चम्मच इसमें सौंफ के दाने डालें। अच्छे से इन्हें भुने मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद ये जो करेला है ये इसमें डालें और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भुने ऑलमोस्ट 6 मिनट। 6 मिनट आपको इसे भूनना है, बीच बीच में चलाते रहे, लगातार चलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हल्का गोल्डन ब्राउन हमें ये करना है, थोड़ा क्रिस्पी भी लगेगा और जो कड़वाहट है वो सारी इसकी यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट भूनने के बाद इसका कलर हुआ है हल्का गोल्डन ब्राउन। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे प्याज। इस स्टेज पर ये 75% कुक हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर प्याज हमने इसमें डाला है, प्याज डालने के बाद अच्छे से मिला दें। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। सबसे पहले नमक स्वाद के हिसाब से 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्ची। बड़ा ही बढ़िया स्वाद इनसे आता है, ज़रूर डालिएगा, अमेजिंग फ्लेवर आएगा। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से मिला दें और उसके बाद ढक्कन लगा कर इन्हें पकाए 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इन्हें अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी एक रस दिख रही है, बड़ी शानदार लग रही है। अभी यहाँ पर 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ आम इसमें डालें आप। आम डालने के बाद अच्छे से मिला दें और ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट और पकाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर 5 मिनट पकाने के बाद सब्ज़ी हमारी तैयार है। करेला अच्छे से कुक हो गया है और बहुत ही शानदार सब्ज़ी बनी है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं है और बहुत अमेजिंग है। बच्चे भी इसको बार बार मांग कर खाएंगे, इतनी शानदार लगती है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें।